जय जय श्री सीताराम। मानस जी में गोस्वामी जी बड़े ही सुंदर ढंग से बताते हैं कि ईश्वर का अंश होने के बाद भी मनुष्य क्यों बंधा हुआ है, क्यों जन्म और मरण के चक्र में फंसा हुआ है। गोस्वामी जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भय गोसाई, बंधियो मीट की मरकट की नाई, जड़ चेतनी ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मशा छूटत कठिनाई। जीव अर्थात हम जीव मात्र ही भगवान का ही अंश है और भगवान का अंश होने के कारण ही चेतन अमल सहज सुख राशि, वो स्वयं भी अविनाशी है, चेतन है, निर्मल है और स्वभाव से ही सुख की राशि है, स्वभाव से ही सुखधाम है। जैसे राम जी सो सुखधाम राम असनावा, उसी प्रकार जो जीव है वो भी सुख की राशि, वो भी सुख का धाम ही है। लेकिन फिर भी सो माया बस भयो गोसाई, वो जीव माया के वशीभूत हो गया, काम के क्रोध के लोभ के मोह के, इनके वशीभूत हो गया। और इनके वशीभूत होने के बाद क्या हुआ कि वो स्वयं को तो सुखी समझता है, और जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, भक्त हैं, ऋषि हैं, उनको लगता है अरे ये तो बड़ा दुख से रहते होंगे, बड़ा परेशान रहते होंगे, उनके लिए ये भाव रहता है कि ये दुखी रहते हैं। लेकिन दुखी कौन है, दुखी तो हम हैं, क्योंकि वो तो अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, चेतन अमल सहज सुखाती, वो तो अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन हम सो माया बस भय गोसाई, हम माया के वशीभूत हो गए, और इसलिए बंधियो की मरकट की नाई, जैसे कीड़े मकोड़े हैं ना, यहां पे कीट मरकट का भाव क्यों दिया, क्योंकि एक मानव जीवन, एक मानव योनि ऐसी है जहां से मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। इसके अतिरिक्त जो 83,99,999 योनियां हैं वहां कहीं भी ये द्वार नहीं खुला है, सब जगह बंद है, सब जगह जाओगे केवल अपने भोगों को भोगने के लिए, वहां द्वार खुला ही नहीं है, वहां तो सब जगह बस बंद है। जो अपने भोग है उन्हें भोगो, अपने भोग को भोगने के बाद पुनः यदि तबू करी करुणा नल देही, यदि भगवान की अतिशय कृपा हो जाए तो मानव देह मिल जाएगी। आप देखते हैं ना, या कहीं कहीं सुनने में आता है, जंगल में देखिए शेर हिरण का शिकार कर लेता है और जो जंगली जो और पशु हैं उनका भी शेर शिकार कर लेता है, और जो बड़े पशु हैं वो छोटे पशु का शिकार कर लेते हैं और बड़ी निर्ममता से उनकी हत्या करते हैं, है ना। वो जिंदा होता है, तड़प रहा, बड़ी ही निर्ममता से उनकी हत्या कर देते हैं। ये क्या है, ये सब वो भोग भोग रहे हैं, ये सब उनके ही उनके वही पाप कर्म हैं जो जब उन्हें मानव शरीर मिला हुआ था तब उन्होंने उन पाप कर्म को किया था जो आज वो भोग रहे हैं। बंधियो कीर मरकट की नाई, तो जैसे उनका जीवन कैसा है, उनका जीवन बस इसीलिए है कि जन्म लो, भोग भोगो, उसके पश्चात मर जाओ, फिर अगली योनि में जाओ, फिर जन्म लो, फिर भोग भोगो, फिर मर जाओ। इसलिए बंधियो की मरकट की नाई, इस माया के वशीभूत होने के कारण ही जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस गया है। जड़ चेतनी ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मशा छूटत कठिनाई, और जड़ और चेतन शरीर और जीवात्मा इनमें गांठ पड़ गई है, ये खुलती नहीं है, दोनों बंद गए हैं, दोनों को बांध दिया है कि हां मैं और मेरा, ये मेरा शरीर, ये मेरी इच्छा, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, है ना, ये मेरा जीवन, ये मेरा ऐश्वर्य, ये मेरा वैभव, दोनों ने एक दूसरे को गांठ से बांध दिया है।
जद भी मिशा छूटत कठिन, यदि भी है झूठ सत्य नहीं है। वास्तव में जीवात्मा को कोई बांध नहीं सकता, जो ईश्वर का अंश है उसे कोई बांध नहीं सकता। तो जद भी मिशा, यदि भी झूठ है सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य हरि भजन, केवल भगवान का नाम सत्य है, भगवान का भजन करते हैं। लेकिन फिर भी छूटत कठिन, फिर भी छूटती नहीं है। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। और जब से बंध गया और तब से जीव होई संसारी, तब से ही वो फिर वो संसारी हो गया। संसारी अर्थात संसार में ही आने जाने वाला, संसार में ही विचरण करने वाला। जो वन में विचरण करता है उसको क्या कहते हैं? वनवासी कहते हैं ना, वनवासी जो वन में विचरण करता है। उसी प्रकार जो जीव संसार में आ गया, संसार में ही विचरण कर रहा है, फिर संसार से गया, फिर जन्म लिया, फिर आ गया, फिर मृत्यु हुई, फिर संसार से गया, फिर जन्म लिया, फिर आ गया, तो संसार में विचरण कर रहा है। तो तब ते जीव भयो संसारी, तब से जीव संसारी हो गया। और छूट न ग्रंथि न होई सुखारी, अब तो ना ये गांठ छूटती है, ये जो गांठ पड़ गई, ये गांठ भी नहीं छूटती, और ना ही वो सुखी होता है। लगता है कि सुखी हो रहा है, लगता है उसे कि हाँ भोग भोग रहे हैं, बड़ा सुख मिला है, लेकिन सुख नहीं है। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूट न अधिक अधिक अधिक। वेद ने, पुराणों ने इससे छूटने के अनेक उपाय बताए हैं। मनुष्य प्रयास भी करता है, लेकिन छूट न अधिक अधिक अलझाई, वो छूटती नहीं है। वो जो गांठ है ना, वो और फंसती जाती है, और फंसती जाती है। क्यों? क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबने को। कलयुग यज्ञ न जोग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कली में और कुछ है ही नहीं, चाहे कितने शास्त्रों में, वेदों में, पुराण में, चाहे कितने भी उपाय क्यों ना कहे गए हों, जब तक नाम का अवलंबन नहीं है, जब तक नाम जीवन में नहीं है, जब तक नाम जीवा पर नहीं है, तब तक वो गांठ खुल नहीं सकती, तब तक जीव का कल्याण हो नहीं सकता। तो श्रुति पुराण वही कर, भले ही कितने ही उपाय क्यों ना कहे गए, लेकिन इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब बड़ा प्रयास हुआ कि चलो भगवान की बड़ी कृपा हो गई, सत्संग मिल गया, चार लोग बताने वाले मिल गए, सन्मार्ग पर चलने लगे, समझ में आ गया हाँ कि ठीक है, भगवान का भजन करना है और भजन से ही काल बनेगा। लेकिन माया फिर भी नहीं छूटती, माया फिर भी नहीं छूटती। अब ये सत्संग सुना, देखिए ये जो बात हुई ना, ये सबकी स्थिति है। अब ये सत्संग सुना, हाँ ठीक है, भजन करना चाहिए, भजन में लगना चाहिए, भजन से ही कल्याण होगा। तुरंत ही शरीर में एक स्फुरना हुई, एक विद्युत जैसी तड़की, और तुरंत लगा नहीं, अब भजन में ही लगेंगे, अब और कोई काम नहीं करना, अब भजन में लगेंगे। और तुरंत थोड़ी ही देर में वो जो स्फुरना हुई थी वो शांत हो गई। फिर माया, फिर भोग, फिर विषय, फिर विलास, फिर इसी में लग गए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटाई पारा। ये जो अविद्या है ना, माया के दो स्वरूप है ना, विद्या माया, विद्या माया। तो ये अविद्या माया है ना, प्रबल अविद्या कर परिवारा। ये अविद्या माया का जो परिवार है, काम क्रोध लोभ मोह आदि ये सब विकार जो मनुष्य को घेरे हुए हैं, मोह आदि तम मिटाई पारा। ये जो मोह आदि अंधकार है, ये मनुष्य को घेर लेते हैं। लेकिन जब ये जीव भगवान के भजन में लगता है, जब ये सब अंधकार धीरे धीरे मिटने लगते हैं, लगता है कि हाँ अब ये जीव संसार से निकलने की चेष्टा कर रहा है, अब ये भगवान का भजन करके से बाहर निकलना चाहता है। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, और गृह बैठी ग्रंथि निवारा। अब प्रकाश स्वरूप मिल गया कि हाँ भगवान का भजन करना है, लेकिन यहां से निकलना इतना सरल नहीं है।
जितना सरल देखने में आता है इतना भी सरल नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि संकल्प शक्ति, आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। अब माया ने देख लिया ना कि निकलना चाहता है, माया ने देख लिया कि अभी निकलना चाहता है, लेकिन इसको रोकने का प्रयास किया जाए। भाई माया की, भगवान ने रचना क्यों की है? माया की रचना इसलिए की है तो वो अपना जो उसको जो काम दिया गया है वो तो वो काम करेगी। और जैसे ही माया ने देखा तुरंत इंद्री द्वार झरोखे नाना तह तह सुर बैठे करी थाना आवत देखही विषय बयारी ते हटि दे ही कपाट उघारी। इंद्रिय द्वार धरो के नाना, है ना, तह तह सुर बैठे कती नाना। प्रत्येक इंद्री के अपने देवता होते हैं, ये तो आप सभी ने श्रवण किया ही होगा। हर इंद्री का अपने एक देवता होता है जो उस इंद्री का संचालन करता है। अब हर इंद्री के द्वार पे एक देवता बैठा हुआ है। तुरंत माया ने उसको सचेत कर दिया। जहां माया ने सचेत किया तो आवत देखी विषय बिहारी ते हटी देह ही कपाट उगारी। जैसे ही विषयों की आंधी दिखाई दी तुरंत इंद्रियों के देवता ने तुरंत उसका स्वागत किया कि आओ विषय चले आओ, बस रुको मत। जहां विषयों का दर्शन होने लगा, जहां विषयों का चिंतन होने लगा तो बस अब इंद्रियों ने लगा दिया उसमें कि हम लगो, क्या कर रहे हो, लगो भोगों में लगो, यही तो सुख है, इससे परे कोई सुख नहीं है, यही सुख है, यही आनंद है। लेकिन जैसे तैसे अब इससे ऊपर उठे। सबसे पहले देखिए एक मनुष्य संसारी होता है ना, फिर वो इन सब विषयों से, भोग विलासों से, इनसे थोड़ा ऊपर उठता है, अपने भजन में लगता है। सबसे पहले इंद्रियों के जो देवता हैं सबसे पहले उनको पराजित कर देता है कि नहीं ये सब भोग विलास, ये सब झूठ है, ये सब बेकार है, इनमें नहीं लगना चाहिए। बन गए महात्मा, हो गए सन्यासी, हो गए संत, हो गए। अब माया ने देखा कि इस प्रकार से तो ये माना नहीं, अब इसको रोकने का क्या उपाय किया जाए। तो छोड़त ग्रंथि जानी खगराया। अब माया ने देखा कि अब वो गांठ खुल रही है, जो गांठ जीव और जीवात्मा के बीच में पड़ी हुई है ये गांठ अब खुलने लगी है, ये जीव अब अपने स्वरूप को जानने लगा है। तो फिर क्या क्या आना चाहिए? विघ्न अनेक करी तब माया। अब माया ने सोचा और विघ्न करें, इस प्रकार से तो ये माना नहीं, और विघ्न करने चाहिए। तो अब विघ्न कैसे होंगे? क्योंकि भोग विलास तो आपने छोड़ दिए, उनसे तो आपकी निवृत्ति हो गई। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखा वही आई। अब रिद्धि सिद्धि के रूप में आने लगी, अब रिद्धि सिद्धि के रूप में आने लगी ना। अब साधक अभी भजन कर रहा है, ठीक है, हो सकता है आप सभी के जीवन में ये स्थिति आई हो, या फिर हो सकता है भविष्य में आए, भजन करते करते भोग विलास से ऊपर उठ गए। जब भोग विलास से ऊपर उठ गए तो रिद्धियां सिद्धियां आने लगी, आपको अपने में उनका अनुभव होने लगा। कोई मन में अपनी बात कह रहा है, मैं उसको सुन सकता हूं। कोई मेरे सामने से गुजर रहा है, मैं उसके बारे में सब कुछ जान लेता हूं उसको देखते ही, ठीक है। जो इस लोक से परे की जो वस्तुएं हैं, पारलौकिक चीजें हैं, जो भूत प्रेत पितर हैं, इनको मैं देख रहा हूं, इनको मैं देख सकता हूं, ठीक है। और भी कोई भी और सिद्धियां, ठीक है। अकेले में लगता है कि मैं, यदि मेरी इच्छा हो तो मैं इस समय कहीं पे भी अपने शरीर को छोड़कर जाके कहीं पे जाके विचरण कर सकता हूं। कोई भी रिद्धि सिद्धि, कोई भी जो अपने में अनुभव होने लगी। अब भक्तों की क्या है, छोटी छोटी बात पे ही
स्वयं में कोई अच्छा अनुभव होने लगा तो वो अपने अहम में ही बिल्कुल बस बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसी समय। अरे मुझे ये अनुभव हो रहा है, मुझे ये अनुभव हो रहा है, मुझे ये अनुभव हो रहा है। अरे रिद्धि सिद्धि पे यही भोग भाई, बुद्धि ही लोग दिखावे, यही तो माया है, ये तो तुम्हारा भजन नष्ट करने के लिए आई है कि तुम इसी के चक्कर में पड़ जाओ और बस इसके चक्कर में पड़ो। ये मुझे सिद्धि मिल गई, मैं सबके मन की बात जानने लगा, मैं सबके आगे पीछे की बात जानने लगा, मैं सबके मन की बात सुन सकता हूं, जो नहीं देखता उसे भी देख सकता हूं। रिद्धि सिद्धि प्रेरित हो गई। अब यदि इसमें मनुष्य निकल गया है ना, तो यदि रिद्धि सिद्धि से ऊपर उठ गया तब तो फिर भजन में सफल है। अगर रिद्धि सिद्धि से ऊपर नहीं उठ पाया, यदि हो ही बुद्धि जो परम सयानी, यदि बुद्धि बहुत सयानी है, समझती है कि नहीं, उससे बढ़िया सत्संग मिल चुका है, उसे भगवान की कृपा से बढ़िया सत्संग मिला है, बढ़िया साधु संतों की वाणी सुनने को मिली है, नहीं इन सब में नहीं है, तो वो सयानी हो गई है। हो ही बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितब न अनित जानी, वो जानती है कि इससे अहित होगा, ये मेरे कल्याण वाली नहीं है, इनको छोड़ो आगे बढ़ो। तो ही विघ्न बुद्धि नहीं बांधी, तो वो हो सो कहीं उपा दी, अब उसकी ओर अब देखती नहीं है। और इंद्रिय सुवन न ज्ञान सुवाही, और विषय भोग पर प्रीत सदाई। ये देवताओं जो इंद्रियों के जो देवता हैं, इनको ज्ञान नहीं सुहाता, इनको भक्ति नहीं सुहाती, इनको विषय चाहिए। स्वर्ग लोक क्यों बनाया गया? स्वर्ग लोक क्या है? एक भोग विलास का स्थानी तो है। इससे मुझे आप सभी तरीके बता दीजिएगा अभी सत्संग के पश्चात, इससे बढ़कर स्वर्ग में क्या है? है कुछ स्वर्ग में? केवल भोग और विलास, और भोग विलास से भरा हुआ है स्वर्ग। कितना बढ़िया दृश्य होगा ना, इंद्रदेव अपने दरबार में बैठे हुए हैं, सुरापान कर रहे हैं, सामने अप्सराएं नाच रही हैं, जैसे स्वर्ग लोग नहीं, जैसे धरती पर वो होते ना कोठे बने हुए हैं, यहाँ पे वैश्याएं नृत्य करती हैं, और बड़े घर वाले जो रईस लोग होते हैं वो जाके बैठे होते हैं, मदिरापान कर होते हैं, बस इतना ही तो अंतर है। वहां मदिरा है, वहां सुरापान कहते हैं आप, ये तो मुझे पता है कि हाँ ठीक है वो मदिरा नहीं होती है, लेकिन वो देवताओं के भक्षण के लिए कुछ रहता है, लेकिन स्थिति तो वही है, वही भोग विलास, वही सुख, वही ऐश्वर्य, वही वैभव। जो यहां भोगे, जो यहां भोगे उसको भोगने के लिए स्वर्ग चले गए, तो यहां में और स्वर्ग में अंतर क्या था? विषय भोग पर प्रीति सदाई, इन्हें तो बस विषय ही प्यारे लगते हैं, इसलिए तो सभी योनियों में केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो इन सबको समझता है, जो इन सबसे परे उठ सकता है। तब फिर जीव विविध विधि पावई संस्कृत क्लेश, हरी माया अति दुस्तर तई न जाही वैश। इस प्रकार से जीव भांति भांति के कलेश जीवन भर, जीवन भर इस प्रकार के कलेशों में अपना जीवन व्यतीत करता है, फिर उठने की कोशिश करता है, फिर माया गिराती है ना। जब सुप्रभंजन उर ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई, ग्रंथि न छूटी मिटा सुप्रकाश, न ग्रंथ छूटी, और जो प्रकाश जो मन में हृदय में हुआ, जो हमने जो भजन किया, हमने भजन किया, हमने राम राम किया, उससे हमारे मन में अभी कुछ प्रकाश हुआ, कुछ समझ में आया, लेकिन आवृत देख कहीं विषय भी आ रही तो हटी देख कपाट उघाड़ी, जैसे ही कुछ विषय सामने आए और विषयों के सामने आते ही तुरंत इंद्रियों के देवताओं ने उन विषयों को प्रवेश दे दिया, अब चित्त में विषयों का चिंतन होने लगा, विषयों का चिंतन होने लगा तो क्या हुआ, ग्रंथि ने छोटी मिटा सुप्रकाश, वो गांठ जो खुल रही थी वो तो नहीं खुली, और जो प्रकाश हृदय में हुआ था वो भी समाप्त हो गया, बुद्धि विकल भई विषय बतासा, सारा जितना किया कराया था सब चौपट हो गया, जितना भजन किया था सब नष्ट हो गया। तो हरी माया अति दुस्तर तरी न जाए भी गेश, ये भगवान की जो माया है ना, ये बड़ी दुष्कर है, इससे सहज में सरल में प्यार पा नहीं जा सकता,
कहत कठिन समुझित कठिन, साधन कठिन विवेक। कहने में कठिन है, फिर समझने में कठिन है, फिर करने में तो और भी कठिन है। हो धुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यु अनेक। और फिर भी संयोग वश यदि ये ज्ञान भी हो जाए, ये ज्ञात भी हो जाए कि इसको करने कैसे है, तो फिर करने में अनेक विघ्न होते नहीं है। तभी तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भरोसो जाही दूसरों को करो। दूसरे का भरोसा करना ही क्यों है? भरोसो जाही दूसरों को करो। दूसरे का भरोसा क्यों, किस लिए? अपनो भलो राम नाम हिते तुलसी समझी परो। अपना भला राम राम से हो जाएगा, है ना? भरोसो जाही दूसरों को करो। मोह को तो राम को नाम कल्पतु करी कल्याण करो। भाई हमारे लिए तो राम जी का नाम ही कल्पवृक्ष है, उसी से कल्याण होगा, पर समय ये समझ में आता है। किसी के सामने आप ये बात कहने जाएं और वो साधन में लगा हो, व्रत में तप में लगा हो, तो वो पहले कर्म की बात कहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई कहता नहीं है, हमसे भी कई लोगों ने कहा है, नहीं कर्म बड़ा होता है, अपना कर्म अच्छा रखना चाहिए, कर्म अच्छा रखना चाहिए, ये सब व्रत हैं, उपवास हैं, सब रखने चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई मैं किसी का विरोध क्यों करने जाऊं, मैं किसी का विरोध नहीं करने जाऊंगा। कर्म उपासना ज्ञान वेद मत सो सब भांति खलो। सब खला है अपने में, कोई खोटा नहीं है। मैं नहीं कहता कोई खोटा है, अपने आप में सब बढ़िया है। हम क्यों किसी का विरोध करने जाएं? तुम्हें कर्म अच्छा लग रहा है, तुम्हें लगता है कि कर्मयोग के द्वारा सारा कार्य किए जा सकते हैं, तो भाई कर्मयोग में लगे रहो। ज्ञान है, वेद मत है, वेदों ने जो भी प्रतिपादित किया है, यदि उसके अनुसार तुम्हें लगता है कि हाँ हम भजन कर सकते हैं, तो ठीक है करो। हम भी नहीं कहते, गोस्वामी जी कहते, हम नहीं कहते कि तुम गलत कर रहे हो। सो सब भांति खड़ो, सब बढ़िया है, एकदम खड़ा है, कोई खोटा नहीं है। लेकिन मोह ही तो सावन एक अंध है जीव सूझत रंग, जैसे सावन के अंधे को हरा ही दिखा, उसी तरह हमें राम नाम के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। ये विषय, ये भोग, क्या इनसे कभी मनुष्य संतुष्ट होने वाला है? चाटत रहे हो स्वान पातरी ज्यों, कब हूं ना पेट भरो। जैसे कुत्ता झूठी पत्तल चाटे, हड्डी को चूसता है, उस हड्डी से उसका ही अपना तलवा छिल जाता है और अपने ही रक्त को पीकर कहता है वाह कितना बढ़िया स्वाद आ रहा है इसमें, तो ये हड्डी कितनी स्वादिष्ट है, कितना कितनी रसीली है, ये इसमें कितना रस आ रहा है। जबकि ये नहीं समझता कि उस हड्डी से उसका ही अपना तलवा छिल रहा है, वो स्वयं का ही नाश कर रहा है, कह रहा है वाह कितना बढ़िया है, कितना रसीला है। उसी प्रकार मनुष्य विषयों में नर्तन पाए विषय मन दे ही पलटी सुधाते सट विषले ही, विषयों में मन दे देता है, फिर कहता है वाह कितना आनंद आ रहा है, जबकि वो विषय उसे ही नष्ट कर रहे हैं। पलटी सुधाते सट विषले ही, वो एक एक क्षण विषय का ही पान कर रहा है, और विषय क्या है, वो एक एक क्षण में उस विष को ही ग्रहण कर रहा है। अब विष को ग्रहण करोगे तो क्या होगा, नाश होगा ना, एक एक क्षण उसका नाश ही होता जा रहा है। उसी प्रकार इस प्रकार कुत्ता हड्डी को चूस रहा है तो अपना ही नाश कर रहा है। उसी प्रकार विषयों में मन देके चाटत रहे वो स्वयान पातरी जो, कब हो ना पेट भरो, पेट कभी नहीं भरता। सो हो सुमित नाम सुधारा से पेखत परसी हो, भरोसो जाही दूसरों पर। दूसरे का भरोसा क्यों करने जाऊं? अति दुर्लभ केवल परम पद, जो परम पद है बड़ा दुर्लभ है, लेकिन किसके लिए है? संत पुराण निगम आगम बद, ये सब कहते हैं कि बड़ा दुर्लभ है, लेकिन ये किसके लिए दुर्लभ है? ये ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है, भक्तों के लिए दुर्लभ नहीं है। भक्तों के लिए राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवई वरियाई, बिना ही इच्छा के वो सब उसको प्राप्त हो जाता है।
जिसकी उसने कभी इच्छा ही नहीं करी, जो अति दुर्लभ है, जो किसी को सहज में प्राप्त नहीं होता, वो एक भक्त को सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। राम जी जब वनवास की लीला में है उस समय देखिए, ऋषि मुनियों जो ज्ञान के मार्ग पर चले हुए थे ऋषि मुनि, राक्षस निगल गए, उनकी हड्डियां चूस चूस के फेंक दी राक्षसों ने, क्या हुआ? कुछ हुआ, मर गए। लेकिन वही उतना उन्होंने भजन किया, ज्ञान अर्जित किया, तपस्या करी, क्या हाल हुआ? राक्षस खा गए। और वही जटायु जी महाराज, क्या आहार शुद्ध था? कोई भजन था, लेकिन बस क्या था कि भगवान के प्रति प्रेम था, एक प्रेम ही तो था। माता सीता के लिए, भगवान के काज के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और सायुज मुक्ति को प्राप्त हुए। तो अति दुर्लभ क्या है बल परम, ये जिसके लिए दुर्लभ है उसके लिए है, लेकिन राम जी की भक्तों के लिए अनिच्छित आवई वरियाई, उन्हें तो बिना इच्छा के ही प्राप्त हो जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति कोई करे उपाय, तथा मोक्ष सुन सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भक्ति ब्याई। ये भगवान की भक्ति को छोड़कर कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अस बिचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभान। मुक्ति की निरादर कर देते हैं, मुक्ति की इच्छा नहीं करते। नाम जपने लगे, नाम लेने लगे, ठीक है, भाव कुभाव अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिशि रसु, इस बात के लिए मैंने पहले भी कहा है, ठीक है, नाम ले रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भाव बनना है, ये बनना, ठीक है, नाम ले रहे हैं, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, भाव बने ना बने कोई बात नहीं, नाम अपना काम करेगा। अंत समय जो नाम आता है उसमें भाव बनता है क्या? अजामिल को कोई भाव बना नहीं, पुत्र का ही तो नाम लिया, नारायण आओ नारायण बचाओ, कोई भाव था नहीं, लेकिन वो नाम आ गया ना तो वो अपना काम करेगा करेगा, जैसे अग्नि से स्पर्श हो गया तो वो काम करेगी करेगी, अंधकार है सूर्य आ गया तो वो अपना काम करेगा ही करेगा, वो अपना कार्य करने से पीछे नहीं हट सकता, वो तो अपना काम करेगा करेगा। तो चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी जीवन रहा हो, यदि जीवा पे नाम आ गया तो भाव को भाव अनकाल से, फिर चाहे जिस भी भाव से आए वो अपना काम करेगा ही करेगा। लेकिन वहां मुक्ति की बात है, कल्याण की बात है, लेकिन भक्त मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति का क्या करेंगे, भक्ति लुभाने, उन्हें भक्ति चाहिए, भगवान का सामिप्य चाहिए, भगवान पर अधिकार चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए। जो चेतन कहे जड़ करी, जड़ ही करी चेतन, अस समर्थ रघुनायक ही भजई जीव ते धन्य। ऐसे श्री रघुनाथ जी के भजन करने से जीव धन्य हो सकता है, अन्यथा कोई और उपाय नहीं है। और गोस्वामी जी भरोसो जाहि दूसरों को, गोस्वामी जी कहते हैं मैं झूठ नहीं कहता, ये मत सोचना कि मैंने कहा, मैंने क्या कहा, कहा मैंने क्या कहा, नहीं, वहां मैंने जो कुछ कहा ठीक है वो भी मेरे अपने भाव थे, लेकिन सत्य तो यही है कि शंकर साखी जो राखी कहूं, मैं शंकर जी को सामने साक्षी रखता हूं, मेरे साक्षी शंकर जी हैं, शंकर साखी जो राखी कहूं कछु, मैं कुछ और कहूं तो जरी जीह जलो, तो मेरी जीव जल जाए, मेरी जीवा गल के कट के गिर जाए अगर मैं शंकर जी को साक्षी रखता हूं, यदि मेरे मन में कुछ और बात हो। अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी ही समझी पड़ो, मुझे अपना भला केवल एक राम नाम से दिखता है, मैं बस यही समझता हूँ, यही जानता हूँ, और कोई उपाय मुझे समझ में नहीं आता। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो राम नाम लीजिए। आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।